ओके चलो रैशनल नंबर चैप्टर नंबर 8। तो सबसे पहले मुझे बताओ रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय अ रैशनल नंबर, या फिर कोई एग्जांपल बता दो अगर मुझे नहीं पता है तो। इसको बोलेंगे कि ये रैशनल नंबर है। चलो हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर। ओके सो ये 2.5 1.372812045 ऐसा है नंबर जो खत्म नहीं हो रहा है। डॉट 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 क्या रिप्रेजेंट करता है? हाँ, इट इज अनएंडिंग नंबर। ठीक है, तो ये भी रैशनल है क्या? फिर कौन सा होता है रैशनल नंबर? जो नंबर को हम लोग पी बाय क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, पी और क्यू के जगह हम लोग ए और बी भी लिख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल, दो वेरिएबल। जिस नंबर को p by q या a by b के फॉर्म में लिख सकते हैं और जिसमें ये दोनों ही नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स, और जब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता, क्योंकि अगर मान लो ये तो इंटीजर ही है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है ना, जीरो इंटीजर है ना, इंटीजर पता है ना, नंबर लाइन वाली संख्या को इंटीजर बोलते हैं, तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, लेकिन 8 बाय 0 अगर होगा तो क्वेश्चन को मीनिंग ही नहीं रहेगा उस नंबर को, सो दिस इज मीनिंगलेस। इसलिए हमारा रैशनल नंबर हम लोग उसको बोलते हैं कि जो हम लोग न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाय क्यू के फॉर्म में, वेयर पी क्यू आर इंटीजर्स एंड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो। एग्जाम्पल 1/5 ये हो गया रैशनल नंबर, 2/7 हुआ रैशनल नंबर, -3/4 ये हुआ कि नहीं हुआ? हमको पी और क्यू इंटीजर चाहिए बस, और डिनोमिनेटर जीरो नहीं चाहिए, बस इतना ही है। तो ये 0/3 है, ठीक, 7 कुछ नहीं है तो वन है, मतलब रैशनल नंबर ही है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो वन है, जीरो क्योंकि नीचे क्या है, वन है, तो ये सारे ही रैशनल। अब अगर मैंने बोला 4.3 तो ये अभी तो रैशनल नहीं दिख रहा है, लेकिन हम लोग इसको रैशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी रैशनल ही है, क्योंकि इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। हम लोगों ने जो डेसिमल वाले क्वेश्चंस किए थे उसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर पॉइंट निकालना है तो अंडे देने होते हैं, ऊपर का पॉइंट निकाल के अंडे नीचे रहते हैं, नीचे का पॉइंट निकाल के तो अंडे ऊपर रहते हैं, पॉइंट के बाद एक संख्या, इसलिए हम लोगों ने नीचे क्या लिखा होता, 10 हो गया रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स। क्लियर? तो ये सारे नंबर को हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। और सवाल है, लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 and 0। तो इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर चाहिए। सुई बता क्या लग रहा है, रैशनल किसको बोलते हैं, जिसमें जिसको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, और जिसमें डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता, तो रैशनल है, इसमें डिनोमिनेटर तो जीरो नहीं है, तो रैशनल है। ठीक है, रैशनल कौन सा नहीं होगा, अगर मैंने ऐसे लिख के दिया तो ये रैशनल नहीं होगा। ठीक है, चलो तो अब हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 and 0। तो ये करके देने के पहले मैं ये वाला करके देता हूँ, तो फिर ये थोड़ा समझने में मेरे ख्याल से और आसान जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, -4/5 and -2/3। ये करने के पहले भी अगर मेरा नंबर मान लो ऐसा होता तो फिर आप मुझे बता पाते कि 5 नंबर बिटवीन दीज टू नंबर्स कौन से रहते? 19/10, 20/10, 21/10, 22/10 और अगर ये 24 होता तो 23/10। तो 4, 5 यस यस ओके। तो ऐसे हम लोग 5 नंबर आराम से निकाल पाते हैं। इसका मतलब अगर हम लोगों को 5 नंबर ढूंढना है या 10 ढूंढना है, जितने भी ढूंढना है, इम्पोर्टेंट चीज क्या है, डिनोमिनेटर शुड बी सेम, बस
तो डिनोमिनेटर को सेम करना है हम लोग, बाकी फिर अपने को आराम से नंबर्स मिल जाते हैं। तो मैं इसमें डिनोमिनेटर सेम करता हूँ, 5 और 3, यस 5 और 3 का एलसीएम कितना आता है? 50। ऐसी संख्या जो दोनों के टेबल में सबसे पहले आती है, तो 5 और 3 के टेबल में सबसे पहले कौन सा आता है? 15 ही आता है। तो मुझे डिनोमिनेटर को 15 करना है, मेकिंग डिनोमिनेटर 15। तो पहला मेरा नंबर है -4/5, इसको मुझे डिनोमिनेटर में 15 करना है। तो उसके लिए मुझे किससे इंटू करना पड़ेगा? 3 से। तो ऊपर भी मुझे किससे इंटू करना पड़ेगा? फिर 3 से ही करूँगा, तो ऊपर भी मैंने इंटू 3 कर दिया, तो मेरा नंबर क्या बना फिर? -12/3। दूसरा क्या था? -2/3। अब यहाँ पे भी मुझे 15 करना है, तो उसके लिए मुझे किससे इंटू करना पड़ेगा? 5। तो ऊपर भी, तो क्या बना नंबर मेरा? लेकिन फिर भी गड़बड़ है, इसके बीच में मुझे कितनी संख्या मिलेंगी? कौन सी कौन सी? -11/15 और मिलेगी कोई? तो एक ही संख्या मिल रही है अपने को, तो 5 चाहिए। तो फिर अब क्या करेंगे? डिनोमिनेटर तो सेम आ गया है, लेकिन अपने को संख्या उतनी मिल नहीं रही जितनी चाहिए, तो और डिनोमिनेटर को बड़ा कर देंगे। सेम ही रखना है, सिर्फ और बड़ा कर देंगे। तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो? किसी भी नंबर से कर सकते हो, ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है। आपको चाहिए तो आप 5 से इंटू कर सकते हो, ऊपर नीचे। अगर 5 से इंटू करोगे तो ये नंबर आपका क्या बनेगा? -60/75 बन जाएगा। यहाँ पे भी 5 से ही करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम रखना है। तो ये कितना बनेगा? बहुत सारे नंबर मिल गए, -51/75, -52/75, -53/75, ऐसे -59/75 तक लिख सकते हैं। हम कोई भी 5 नंबर उसमें से लिख देंगे। कन्फ्यूजन? जरूरी नहीं है कि डिनोमिनेटर को 75 ही करना था, हम लोग 5 की जगह 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो मैं पहुँचा था, यहाँ पे जब मैंने मल्टीप्लाई किया था, तो मेरा आंसर आया था -12/15। मैं इसको 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो मेरा आंसर क्या आएगा? -120/150। यहाँ पे मेरा आंसर आया था -10/15। यहाँ पे भी मैं इंटू 10 कर देता हूँ, मेरा आंसर आ रहा है -100/150। 5 संख्या मिल जाएगी आराम से, कोई भी 5 संख्या हम लोग लिख सकते हैं। मैं इसमें से 5 संख्या कोई भी लिख देता हूँ, थोड़ा सा इसको। सो देयरफॉर 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -4/5 एंड -2/3, कौन से लिखूँ? -101/150, -102/150, -103/150, -104/150, -105/150। 5 हो गए। अपने को अगर और पूछे होते तो हम लोग -119/120 तक कोई भी नंबर लिख सकते थे, बराबर है ना? डाउट है? आसान है क्वेश्चन? चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सो अब मैं ये वाले क्वेश्चन पे आता हूँ, -1 और 0 होता है ना, तो अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन -1 और 0। यह ठीक है? हाँ सर, ते जर आपल्याला अजून संख्या पाहिजे आहे तिकडे 10 द्या लागेल। नाही, मैंने थोड़ी देर पहले 5 लेके करके दिखाया था। कोई भी नंबर लो, सेम रखो सिर्फ डिनोमिनेटर, तो हम लोग संख्या ढूंढ सकते हैं। अगर अपने को 5 संख्या ढूंढनी है ना, तो कम से कम 5 या 5 से के ऊपर नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो अपने को 5 नंबर मिल जाते हैं आराम से। ठीक है, कोई भी नंबर रख सकते हो, सिर्फ डिनोमिनेटर सेम रखना है बस। चलो तो अब इस क्वेश्चन को करना है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, जो डिनोमिनेटर था उसका एलसीएम किया था, तो एलसीएम 15 आया, इसलिए हम लोगों ने डिनोमिनेटर को 15 कर दिया, सबका डिनोमिनेटर सेम। अब यहाँ पे तो डिनोमिनेटर कुछ है नहीं, तो क्या है फिर डिनोमिनेटर? कुछ नहीं है, तो इसको मैं -1/1 लिख सकता हूँ, और 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ? डिनोमिनेटर तो सेम ही है, लेकिन मुझे इसके बीच में तो संख्या ही नहीं मिल रही है ना। यहाँ पे मेरा ऐसा नंबर लाइन आया होता 0,
ये होता माइनस वन, और जीरो और माइनस वन के बीच में कहाँ संख्या, तो क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को बढ़ा देते हैं। यहाँ पे अपना जीरो बाय वन है और ये माइनस वन बाय वन है, मैं दोनों को टेन से इंटू कर देता हूँ। सो टेन से इंटू अगर कर देता हूँ तो ये कितना आएगा, माइनस टेन बाय टेन, और ये कितना आएगा, अब मिल गई क्या संख्या, ये जीरो बाय टेन, फिर माइनस वन बाय टेन, माइनस टू बाय टेन, माइनस थ्री बाय टेन, ऐसे माइनस टेन बाय टेन तक, अपने को तो पाँच ही लिखना है, ठीक है, जम जाएगा। सो देयर फोर फाइव रैशनल नंबर्स बिटवीन माइनस वन एंड जीरो, तो मैं लिख रहा हूँ माइनस जीरो और माइनस टेन बाय टेन के बीच में, सो माइनस वन बाय टेन, माइनस टू बाय टेन, माइनस थ्री बाय टेन, माइनस फोर बाय टेन, माइनस फाइव बाय टेन, आखिरी का कौन सा लिख सकता हूँ, माइनस वन, मेरी पांच ऑलरेडी ये हो गई है, कोई भी पांच संख्या लिख सकते, डाउट है पक्का, तो फिर इसमें से जो बच गई है क्वेश्चन वो जमेंगे आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है, ट्राई करो, गलत हुआ तो मैं कर देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। राइट, फोर मोर रैशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स, तो एक पैटर्न इन्होंने हम लोगों को दिया हुआ है, जैसे कि पहला है माइनस थ्री बाय फाइव, दूसरी संख्या है माइनस सिक्स बाय टेन, तीसरी है माइनस नाइन बाय फिफ्टीन, चौथी है माइनस ट्वेल्व बाय ट्वेंटी, इसके आगे अपने को और तीन संख्या इन्होंने लिखने को बोला हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है, पहला क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, सिर्फ न्यूमरेटर को देखो, थ्री थ्री टू जार सिक्स, थ्री थ्री जार नाइन, थ्री फोर जार ट्वेल्व, थ्री फाइव जार, थ्री सिक्स जार एटीन, थ्री सेवन जार ट्वेंटी वन, अब देखते हैं डिनोमिनेटर, साइन बाद में देखते हैं, बैठेंगे साइन तो बाद में देखेंगे, फाइव जार फाइव, फाइव टू जार टेन, फाइव टू जार फिफ्टीन, फाइव फोर जार ट्वेंटी, फाइव फाइव जार ट्वेंटी फाइव, फाइव सिक्स जार थर्टी, फाइव सेवन जार थर्टी फाइव, साइन कौन से है, यस, तो तुम लोग के चिल्लाने की वजह से थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, ऐसे लगता है कि एकदम छोटे बच्चे आ गए, सो सारे ही नंबर निगेटिव हैं, तो मैं सबको निगेटिव दे देता हूँ, हो गया डाउट, पहला तो आसान था, दूसरा देखते हैं, माइनस वन बाय फोर, फिर माइनस टू बाय एट, माइनस थ्री बाय ट्वेल्व, इसमें भी आगे की और तीन संख्या हमको ढूंढनी है, ये भी तो बहुत ही आसान दिख रहा है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, बस तीन ही चाहिए अपने, फोर का टेबल दिख रहा है नीचे, है ना, फोर फोर का सिक्सटीन, फोर फाइव का ट्वेंटी, फोर सिक्स का ट्वेंटी फोर, सारे ही माइनस है, माइनस माइनस माइनस, हो गया सिंपल, ठीक है आसान है। चलो अगला क्वेश्चन थर्ड वाला, सो ये है माइनस वन बाय सिक्स, माइनस टू बाय ट्वेल्व, माइनस थ्री बाय एटीन, माइनस कहीं भी दे सकते हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैंने आप लोगों को एक बार पहले बताया था, देखो कि ए बाय बी माइनस ऊपर दो या नीचे दो या बीच में दो, इसकी वैल्यू सेम होती है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन हम लोग जनरली माइनस कहाँ पे देते हैं, या तो ऊपर देते हैं या तो बीच में देते हैं, नीचे हम लोग नहीं देते, मीनिंग सेम है लेकिन बाय कन्वेंशन या तो ऊपर लिखते हैं या तो बीच में लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने सिर्फ यहाँ पे माइनस नीचे लिख के दिया, यहाँ पे भी नीचे लिख के दिया, बाकी है वही, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, फिर अब साइन को बाद में देखते हैं, हम लोग संख्या देखते पहले साइन देते बैठेंगे, फिर साइन देना कुछ मुश्किल नहीं है, तो ये तो आसान है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, डिनोमिनेटर में क्या है, छः का टेबल, सिक्स टू का ट्वेल्व, सिक्स थ्री का एटीन, सिक्स फोर का ट्वेंटी फोर, सिक्स फाइव का थर्टीन, सिक्स सिक्स का थर्टी सिक्स, सिक्स सेवन का फोर्टी टू, हो गया। अब साइन कैसे थे, माइनस ऊपर था फिर दो माइनस नीचे थे, नहीं तीनों माइनस नीचे थे, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया माइनस कहीं पर भी दो कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर देखो मैं लिखता हूँ माइनस टू बाय थ्री या फिर मैं लिखता हूँ टू बाय माइनस थ्री या फिर मैं लिखता हूँ माइनस टू बाय थ्री, ये वैल्यू सेम है, कोई फर्क नहीं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे माइनस कहीं पे भी दे सकता हूँ, उसके लिए आपको कोई मार्क नहीं काटने वाला,
डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा और एक है इसमें क्वेश्चन नंबर फोर। सो माइनस टू बाई थ्री, फिर यह है टू बाय माइनस थ्री, ये तो दोनों वैल्यू सेम ही है, सिर्फ साइन दूसरे जगह लिख के दिया है उन्होंने। फोर बाय माइनस सिक्स, फिर यह है सिक्स बाय माइनस नाइन। आप लोगों की किताब में भी ऐसे ही है, कुछ अलग दिया हुआ है, देखो तो एक बार सेम। ओके तो क्या करना चाहिए सोचो। ओके ये कैसे आया हुआ है देखो, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, फिर आगे क्या आएगा टू फोर जा एट, टू फाइव जा टू सिक्स जा ट्वेल्व, साइन बाद में देखते हैं। नीचे थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फोर जा ट्वेल्व, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, थ्री सिक्स जा एटीन, साइन क्या है। सो ये प्लस माइनस अगर है मेरा कर नंबर ऐसा रहता है मान के, तो ये एक्चुअली क्या है, निगेटिव रैशनल नंबर है कि पॉजिटिव रैशनल नंबर है? ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ये मेरा पॉजिटिव रैशनल नंबर। अगर ऐसा दिया है, ऐसे एग्जाम में आता है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पॉजिटिव एंड निगेटिव रैशनल नंबर, एक नंबर ऐसा दिया है, एक नंबर ऐसा दिया है, एक नंबर ऐसा दिया है, तीन में पॉजिटिव रैशनल नंबर कौन सा है, निगेटिव रैशनल नंबर कौन सा है? पहला और दूसरा निगेटिव है, तीसरा जो है वो पॉजिटिव रैशनल नंबर है ना, सिंपल। तो ये जो रैशनल नंबर तीन चारों दिए हैं, चारों ही तो निगेटिव ही रैशनल नंबर है ना, है तो अपने को निगेटिव ही रैशनल नंबर चाहिए। निगेटिव हम लोग जनरली कहा देते हैं ऊपर, तो हम लोगों ने दे दिया ऊपर साइन। डाउट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन इसमें से। अच्छा खत्म हो गया क्या? ओके क्वेश्चन नंबर थ्री, गिव फोर रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू, अब इससे ज़्यादा और आसान क्वेश्चन अपने को सेवंथ में नहीं मिलेगा। इसके इक्विवेलेंट चार रैशनल नंबर चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है, जस्ट मल्टीप्लाई करो ऊपर और नीचे किसी भी सेम नंबर से, बस हो गया। तो ये आया टू टू जा फोर, सेवन टू जा फोर्टीन, हो गया। माइनस टू बाय सेवन है, किसी भी सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, हो गया। तो कितना आया, थ्री टू जा सिक्स, सेवन थ्री जा ट्वेंटी, माइनस बाय सिक्स, माइनस टू बाय सेवन है किसी भी नंबर से, किसी भी, ऐसा जरूरी नहीं है कि दो भी तीन भी चार से करना है, आपको जिस नंबर से करना है कर सकते, लेकिन ऊपर चार से किया तो नीचे भी चार से करना। तो अब इतना आंसर आया हमारा, हो गया थ्री इक्विवेलेंट रैशनल नंबर खत्म। असर हाँ फोर, अच्छा फोर निकालना है और एक निकालने की उसमें क्या, तो और एक मैं निकाल लेता हूँ इंटू फाइव कर, तो कितना आया आंसर अपना माइनस टेन का है। बाकी क्या आ जाएंगे आप लोगों को कर सकते हो पक्का। ड्रॉ नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन इट, तो रैशनल नंबर इसलिए दिखाने। अब अगर डिनोमिनेटर मान लो दो मिनट के लिए कि ये भी आठ है और ये भी आठ है, दो मिनट के लिए समझ लो, तो फिर बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाता है हम लोग। फिर हम लोगों ने इसको कैसे किया होता है, एक मैंने ऐसे नंबर लाइन बनाई होती, डिनोमिनेटर सबका कितना है आठ है, तो मैं क्या करता है यहाँ पे बीच में एक जीरो ले लेता, जीरो के बाद पहली संख्या वन बाय एट, दूसरी संख्या टू बाय एट, तीसरी संख्या थ्री बाय एट, फोर बाय एट, फाइव बाय एट, सिक्स बाय एट, सेवन बाय एट, एट बाय एट, एट बाय एट मतलब कितना हुआ, वन हो गया, ये हुआ नाइन बाय एट, ये हुआ टेन बाय एट। यहाँ पे सिमिलर ही माइनस वन बाय एट, माइनस टू बाय एट, माइनस थ्री बाय एट, माइनस एट बाइट मतलब माइनस, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, डिनोमिनेटर तो सेम है नहीं, इसमें से मैं दिखा सकता था माइनस फाइव बाई एट कहाँ है, ये हो गया माइनस फाइव बाई एट, दिखा दिया। थ्री बाई एट कहाँ है, ये हो गया थ्री बाई एट, दिखा दिया। सेवन बाई एट कहाँ है, ये हो गया सेवन बाई एट, माइनस सेवन बाई एट कहाँ है, ये हो गया माइनस सेवन बाई एट, आसान।
लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो फिर अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर अपने को दिया हुआ है वो सेम करना है। तो डिनोमिनेटर की संख्या अब 4 है और 8 है, तो एलसीएम कितना आएगा फिर, एलसीएम ऑफ 4 एंड 8 आएगा। वेरी गुड, ऐसी संख्या जो दोनों के टेबल में सबसे पहले आती है, बहुत से लोग 16 करते हैं या फिर 32 करते हैं, ठीक है, वो याद रखो, जो संख्या दोनों के टेबल में सबसे पहले आती है वो एलसीएम रहता है, ठीक है। तो अपने को डिनोमिनेटर को 8 करना है। अब यहाँ पे पहले से 8 है, यहाँ पे पहले से 8 है, इसका मतलब इसको कुछ नहीं करना है अपने, तो इसको 8 करेंगे। सो ये जो 3/4 है इसको अगर मुझे 8 करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको इनटू 2 करूँगा, तो ये हो जाएगा, इसका मतलब ये नंबर मेरा क्या है एक्चुअली 6/8। वैसे ही यहाँ पे जो -7/4 है इसको भी मैं करूँगा इनटू 2, तो ये -7/4 मेरा कितना बनेगा -14/8। और मुझे इसका मतलब और इधर खींचना पड़ेगा नंबर का, बराबर। तो अब मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा और खींच लेता हूँ इधर, तो ये हुआ मेरा -10/8, -11/8, -12/8, -13/8, और ये हुआ -14/8। सारे नंबर्स को हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे, -14/8 मतलब एक्चुअली कौन सा नंबर है, -7/4, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये एक्चुअली है -7/4। फिर उसके बाद 3/4 मतलब कौन सा है, 6/8, ये हो गया मेरा 6/8 मतलब कौन सा 3/4। उसके बाद -5/8 कहाँ है, ये हो गया अपना -5/8, हम लोगों ने ऑलरेडी दिखा दिया है। यहाँ पे मैं ए बी सी डी करके ये भी दे देता हूँ, सो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, और लास्ट वाला अपना 7/8, सो दिस इज डी। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि पॉइंट ए हमारा कौन सा था, ए था -7/4, बी कौन सा पॉइंट था 3/4, सी कौन सा था -5/8, और डी कौन सा था 7/8। आसान है, तो इम्पोर्टेंट क्या है, डिनोमिनेटर को सेम करो, ओके। चलो द पॉइंट्स पी क्यू आर एस टी यू ए बी ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन दिया है, इसमें बोला है टी आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एस यू, इसको बड़ा कर देता हूँ। तो बोला है जितना टी आर है उतना ही आर एस है उतना ही एस यू है, मतलब इक्वल पार्ट्स। तो ये -1 और -2 के बीच में कितने पार्ट्स बनाए हुए हैं इक्वल, -1 और -2 के बीच में इक्वल पार्ट्स कितने हैं, 3 इक्वल पार्ट है, एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, 3 इक्वल पार्ट्स है ना, ठीक है ना। इसका मतलब दो इंटीजर्स के बीच में 3 हिस्से उन्होंने किए, तो इसका मतलब 0 के बाद ये, अगर यहाँ पे मैं 3 हिस्से यहाँ पे भी करता 0 और 1 के बीच में, तो 0 के बाद मेरा पहला नंबर क्या रहता, 1/3, 2/3, 3/3 है इसलिए कितना है, फिर 1 और 2 के बीच में भी मैं कितने हिस्से करता, 3 हिस्से, तो ये होगा मेरा 4/3, 5/3, 2 मतलब कितना 6/3, फिर उसके बाद ये कितना रहेगा 7/3, 8/3, ये क्या है 9/3 है, इसलिए वहाँ पे 3 लिखा हुआ है। सेम वैसे ही अब डायरेक्ट करूँ, -1 मतलब क्या होगा, जैसे 1 मतलब 3/3 है, तो -1 मतलब क्या है, तो उसके बाद का क्या रहेगा, -4/3, -5/3, ये -6/3 है, इसलिए -2 लिखा हुआ है, हो गया। अभी हमको सवाल क्या पूछा था, नेम द रैशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय P, Q, R एंड S, तो P कौन सा हुआ फिर हमारा नंबर, 7/3, P हो गया 7/3, Q क्या हुआ 8/3, R क्या हुआ -4/3, और S क्या हुआ -5/3,
आसान है ठीक है। ये थ्री कहाँ से लाया मैंने, आप लोगों को समझ में आया? कोई बात नहीं। क्या बोला था उन्होंने, जितना टी आर उतना आर एस उतना एस सी। इसका मतलब टी आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एस सी, बराबर ना। ये पॉइंट क्या है, माइनस वन, ये क्या है, माइनस टू। तो टी और यू के बीच में कितने इक्वल पार्ट किए थे उन्होंने, इसलिए हम लोगों ने जो वन था वन के जगह क्या लिखा, थ्री बाय थ्री। मैं फोर बाय फोर लिख के भी वन ही आता था मेरा आंसर ना, फोर बाय फोर कुछ अलग आएगा। मैं वन को फाइव बाय फाइव लिखूंगा तो भी मेरा आंसर वन ही आएगा, लेकिन ऐसे नहीं लिखा हमने, क्योंकि कितने हिस्से किए थे, तीन, इसलिए हमको क्या लिखना था, इसको थ्री बाय थ्री लिखना। डाउट है पक्का? तो अगर ये हमारा थ्री बाय थ्री है तो उसके बाद का फिर क्या आएगा, फोर बाय थ्री, फाइव बाय थ्री, मतलब क्या हुआ, सिक्स बाय थ्री। क्लियर अक्षर मैडम? मैडम आपको सब आ रहा है क्या? ध्यान नहीं दे रहे हो, अपना ही कर रहे हो, इसलिए पूछ रहा हूँ। आपको सब जम रहा है चैप्टर पूरा? आपने अपने को नहीं है क्या एग्जाम में? अभी चल लेता हूँ, मुझे लगा आपको मैं कंफ्यूज हो गया। चलो ठीक है, बढ़िया। Which of the following pairs represent same rational number? इसमें से same rational number कौन सा है? बहुत आसान क्वेश्चन है, दो तरीके हैं करने के, दोनों ही बताता हूँ। एक तो देखो, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो सेम हो सकता है क्या? नहीं सकता। तो देख के हम लोग बता सकते हैं, नॉट सेम, बिकॉज वन इज पॉजिटिव अनदर इज निगेटिव, ठीक है। दूसरा मेथड ये है, अब जैसे यहाँ ये वाले दोनों ही निगेटिव है, तो फिर इसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड है अपने पास, वो दोनों ही मेथड मैं बता रहा हूँ। एक तो मेथड ये है कि दोनों को करो सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करो, माइनस कहीं में भी दे सकते हैं ना, मैंने माइनस ऊपर दे दिया है, ठीक है तो निगेटिव ही, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। सिंपलेस्ट फॉर्म में करो, इसका मतलब क्या है कि दोनों को सेम नंबर से डिवाइड, तो मैं इन दोनों को कौन से नंबर से डिवाइड करता हूँ, बड़े से बड़ा नंबर कोई बता सकते हो? किस नंबर से डिवाइड करूँ, चार से कर सकता हूँ, दो से भी कर सकता हूँ, लेकिन दो से और बड़ा अगर अपने को आ रहा है तो उससे करो तो और जल्दी अपना आंसर आएगा। तो ये दोनों संख्या चार के टेबल में आती है, मैं दोनों को चार से डिवाइड करता हूँ। सो फोर फोर जा सिक्सटीन, फोर फाइव जा ट्वेंटी, आंसर कितना आया, माइनस फोर। ये दोनों को किससे डिवाइड कर सकता हूँ, फाइव, फाइव फोर जा ट्वेंटी, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, सेम आ गया क्या, इक्वल। तो ये हो गया एक मेथड। दूसरी मेथड ये है कि आप लोग क्या करो, कभी कभी अब ये तो आसान संख्या थी तो अपने को पट से टेबल में आ गया, बहुत बार अपने को वही नहीं समझ में आता कि यार कौन से नंबर से डिवाइड करूँ, तो आसान ये मेथड है कि आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, माइनस में ऊपर दे देता हूँ ताकि माइनस का गड़बड़ घोटाला ना हो, ठीक, माइनस मैंने ऊपर दे दिया, इसको इंटू करो और इसको इंटू करो, तो लेफ्ट में इसको करना है, सो माइनस सिक्सटीन इंटू ट्वेंटी फाइव, कॉमा दे दिया, फिर ये हुआ ट्वेंटी इंटू माइनस ट्वेंटी, ठीक है ना, समझ में आया। इसको इसके साथ इंटू किया, कॉमा दे दिया, इसको इसके साथ इंटू कर दिया, तो इसको भूल जाओ, ये क्या हुआ, प्लस इंटू माइनस, टू टू जा फोर, दो जीरो, ठीक है, इसको इंटू कर दिया, ये भी आ गया माइनस फोर हंड्रेड, तो सेम आई क्या वैल्यू, तो दे दिया इक्वल टू का साइन, और वही साइन यहाँ पे दे दिया, सो देयर फोर माइनस सिक्सटीन बाई ट्वेंटी इज सेम एज माइनस ट्वेंटी बाय ट्वेंटी फाइव, ठीक है। तो ये मेथड मेरे ख्याल से ज़्यादा आसान है, भले ही थोड़े मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है, लेकिन ज़्यादा मल्टीप्लीकेशन अपने लिए आसान है, डिवाइड से, बराबर। आगे बढ़े, बाकी कर लोगे। ये वाला क्वेश्चन करने के लिए कुछ मेहनत की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, देखो तो माइनस टू बाय माइनस थ्री एंड टू बाय थ्री, तो ये माइनस माइनस क्या हुआ, तो ये भी टू बाय थ्री, ये भी टू बाय थ्री, तो क्या करने का है, ठीक है। मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया होता आप लोगों ने गलती से, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता था, इसको इंटू करते तो माइनस टू इंटू थ्री, इसको इंटू करते फिर से माइनस थ्री इंटू माइनस सिक्स, माइनस सिक्स इक्वल ही आता,
फिर बाद में इक्वल ही लिखते हम लोग की माइनस टू बाय माइनस थ्री इज सेम एज बाय क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे ही है कर सकोगे आगे का बताओ। क्वेश्चन नंबर सर, रिडाइड द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये क्वेश्चन इस तरीके का आएगा ही अपने को एग्जाम में। सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है मतलब क्या करना है, दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करना। तो मैं दोनों को दो से डिवाइड कर सकता हूँ, दो से डिवाइड कर दिया, टू फोर जा एट, टू थ्री जा सिक्स, अब तो एक टेबल में आता नहीं है, तो आ गया आंसर क्वेश्चन पर। कटिंग टेस्टिंग भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों को मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, 5 5 25 5 9 45, एक टेबल में नहीं आता तो क्वेश्चन को कर। अगर एक टेबल में आता है तो और फिर डिवाइड करना है। हाँ अब जैसे देखो, इसको अगर मुझे ध्यान नहीं आया कि मैं बड़ी संख्या से डिवाइड कर सकता हूँ और मैंने 2 से कर दिया डिवाइड, तो इसका मेरा आंसर आएगा -22/36। लेकिन अब ये फिर से 2 से डिवाइड हो सकते, फिर से 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आया -11/18। अब नहीं होते, फाइनल आंसर आ गया। अगर यही मैं इसी क्वेश्चन को अगर मेरी खोपड़ी काम करती और डायरेक्टली मैं 4 से डिवाइड कर देता तो मेरा आंसर एक स्टेप में आ जाता, 11 4 और 18 4। ठीक है, तो फर्क कुछ नहीं पड़ता है, अगर नहीं ध्यान में आया तो 2 स्टेप में आंसर आए, कुछ नहीं। क्लियर, फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल। ये क्वेश्चन भी अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले किया, ये बात सेम है क्या, तो हमने बताया था सेम है कि नहीं, अभी वैसा ही है, सेम है कि नहीं बताना है, या फिर छोटा बड़ा है तो वैसे बताएंगे। सो पहला नंबर -5/7 and 2/3, इसको तो मैं कुछ किए बगैर डायरेक्टली बता सकता हूँ कौन बड़ा है इसमें, क्योंकि ये पॉजिटिव है, जो बड़ा है उसके अंदर मुंह फाड़ने का। सेकंड वाला -4/5 and -5/7, अब डिनोमिनेटर अलग है। अगर सेम होते, देखो अगर ऐसा होता -2/3 -8/3 डिनोमिनेटर सेम, तो ये सोचने का कि नंबर लाइन अगर मैंने निकाली होती, डिनोमिनेटर 3 है तो मैं लेता 1/3 2/3 3/3 ऐसे है, तो लेफ्ट में आता मेरा -1/3 -2/3 -3/3 करते 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 यहाँ पे पहुँचता -8/3। अब राइट साइड में कौन सा नंबर आया इन दोनों में से, राइट साइड में कौन सा है, तो जो राइट में है वो नंबर रहता है बड़ा। नंबर लाइन पे जो नंबर राइट साइड में रहेगा, क्वेश्चन में नहीं, नहीं तो सोचोगे कि यार ये तो इधर लिखा हुआ है तो ये बड़ा है, नंबर लाइन में, हाँ नंबर लाइन में जो नंबर राइट साइड में रहता है वो बड़ा रहता है, तो इसका मतलब कौन सा नंबर बड़ा हुआ, माइनस। ठीक है, अब डिनोमीटर सेम है तो डायरेक्ट कर सकते हो, डिनोमीटर सेम नहीं है तो अभी जो थोड़ी देर पहले हमने मेथड की वो कर दो, इसको इंटू करो -4/7, इसको इंटू करो -5/5, कितना आया इसका आंसर -28। इसका अगर नंबर लाइन पे निकालोगे तो राइट साइड में कौन रहेगा, -25 रहेगा, तो वो बड़ा है, तो वही साइन अपने को क्वेश्चन में देना है, इसमें बताना है कौन बड़ा है और कौन छोटा। अगर यहीं तक करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, क्वेश्चन में बताना है, इसमें बताना जरूरी है कि भैया ये नंबर मेरा बड़ा है और ये वाला छोटा है। ठीक है, बाकी आ जाएंगे फिर ऐसे ही सिमिलर है, कर सकते हो। ये सबसे मुश्किल वाला, ये वाला बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा, जीरो जीरो सिंपल। अब सिक्स है नीचे तो मेरा नंबर जीरो होता है, ये 1/6 होता है, 2/6 होता है, 3/6 होता है, इधर -1/6 करते 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 इधर आता -7/6, तो इन दोनों में राइट साइड में कौन सा नंबर मिला, जीरो। तो जीरो इज ग्रेटर देन द एनी नेगेटिव नंबर। क्लियर, ओके, पिक्चर चालू है, बन जाएगा।